स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत सेवरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के परिचय दे रहे थे मेरा सब झूठा परिचय था। मेरा परिचय आपको 10 दिन में कराऊंगा। जो मेरा परिचय कराया जाएगा उसे आप अपना भी परिचय समझना, क्योंकि जो मेरा परिचय है वो जीव मात्र का परिचय है। ग्रंथाधिराज समय सार सामने विराजमान है और जिन जीवों का भाग्योदय होता है उनके हाथ में समय सार आता है। हमारे हाथ में समय सार है यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे भाग्योदय का काल आ गया है। इतिहास में आज तक जिस जिसके हाथ में समय सार ग्रंथ आया उसका जीवन बदल गया। गुरुदेव श्री के हाथ में जब समय सार ग्रंथ आया तो उनके मुख से सहज ही निकल पड़ा, आ तो अशरीरी थवानो महाशास्त्र छे। यह अशरीरी होने का शास्त्र है, ये साधारण नहीं है, ये परमात्मा बनने का शास्त्र है। ये परमात्मा बनने की विधि मात्र नहीं बतलाता, ये बना बनाया परमात्मा बतलाता है, वो शास्त्र है। हम परमात्माएं, आप परमात्माएं, हूँ परमात्मा छू, एम नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर, पढ़ते हैं ना रोजाना। ये कहाँ से निकली ये बात, ये परमात्मा बनने की बात इस समय सार से निकली। क्या है ये समय सार? ये समय सार वो ग्रंथ है जब सामने आता है तो मुट्ठी भर करके रत्न दे दिए जाते हैं। बनाऊं पत्र कुंदनो रत्नों ना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाए मूल्य ना कहती। ये वो समय सार है। समय सार ग्रंथ तो बहुत गहराई से आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, और पूरा भी हो गया है, क्योंकि समय सार की चर्चा संपन्न ना हो तो फिर शक्तियों की चर्चा कहाँ शुरू होगी। क्या चर्चा हुई समय सार में? आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने इस समय सार ग्रंथ के 9 अधिकारों में आखिर क्या बताया? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समय सार पढ़ा है, मैं जान सकता हूँ? हाथ खड़ा कर सकते हैं इस सभा में? संपूर्ण संपूर्ण पढ़ने की बात करता हूँ, पूरा समय सार किस किसने पढ़ा है? इधर से 2-4 लोग हैं, इधर से हैं हमारे, और बस समय सार नहीं पढ़ा आप लोगों ने। गुरुदेव ने 19 बार सभा में पढ़ा था क्या, और कहा करते थे ये तो सभा में 19वीं बार चल रहा है, अंतर में तो चलता ही रहता है क्या। हम गुरुदेव के शिष्य हैं भाई, ये समय सार ग्रंथ, अब मैं तो समय सार पूरा करने के बाद में शक्तियों की चर्चा करने वाला हूँ, अभी तो समय सार नहीं पढ़ा आपने क्या। समय सार तो एक बार तो पढ़ना भाई कम से कम। ये 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने समय सार नहीं पढ़ा है, मैं समय सार पढ़ा दूँ? किस किस को पढ़ना है चलो हाथ खड़ा करें, पढ़ना है तो समय सार चलाएं कि शक्तियों की चर्चा चलाएं? शक्तियों की चर्चा चलाएं, समय सार की नहीं, दोनों। पहले समय सार पढ़ा देता हूं आपको क्या, पहले समय सार पढ़ो आप। समय सार में 9 अधिकार हैं, याद करते जाना भाई, ठीक है ना। पहले अधिकार का नाम है जीवा जीव अधिकार, पूर्व रंग उसके साथ में है। पहले अधिकार का नाम क्या है? जीवा जीव अधिकार।
जीव अजीव अधिकार। ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी के जो ये समय सार ग्रंथ है, इस ग्रंथ के चैप्टर्स का नाम अध्याय नहीं है, अधिकार है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कहा? अधिकार है। अधिकार माने अधिकारों की चर्चा चल रही है। अधिकार माने क्या होता है? राइट्स। क्या राइट्स की बात चल रही है? पहले अधिकार का नाम है जीव अजीव अधिकार, माने जीव के अधिकार क्षेत्र में क्या है और अजीव के अधिकार क्षेत्र में क्या है, ये बंटवारा किया गया है। पहले अधिकार में नाम क्या? जीव अजीव अधिकार। और मैं कौन उसमें कि मैं जीव, माने मेरे अधिकार में क्या है, ये चर्चा हुई है जीव अजीव अधिकार में। क्या चीज मेरी है और क्या मेरी नहीं है, अपना क्या है और पराया क्या है, इसकी गहराई से चर्चा जीव अजीव अधिकार में हुई है। चर्चा तो सिद्धों को नमस्कार करके शुरू हुई। एक एक गाथा की चर्चा तो नहीं कर पाऊंगा यहां, क्योंकि मुझे तो समय सार पढ़ाना है और रोजाना नहीं, सोचता हूं आज ही पढ़ा दूं तो फिर शक्तियों की चर्चा शुरू कर सके। चर्चा कहां से शुरू हुई? सिद्धों को नमस्कार किया। और टीकाकार देखो अमरचंद्र स्वामी, वो कहते हैं सिद्धों को नमस्कार तो किया है, लेकिन सिद्धों को नमस्कार करने का अर्थ यह है नमः समय सार आए, आत्मा को नमस्कार। वो आत्मा को नमस्कार करके बात शुरू करते हैं। क्या गहराई होगी आचार्य अमरचंद्र स्वामी के शब्दों में। एक एक शब्द बहुत गहराई लिए हुए हैं। जितनी गंभीरता में बैठकर कुंदकुंदाचार्य देव बात करते हैं, उससे कम गंभीरता में अमरचंद्र स्वामी बात नहीं करते। मानो कुंदकुंदाचार्य देव के हृदय में बैठकर के बात निकाली हो अमरचंद्र स्वामी ने। आचार्य कुंदकुंद स्वामी और अमरचंद्र स्वामी के पेट में बैठ करके चर्चा की हो जैसे आचार्य देव ने, और मानो इन तीनों को घोट के पी गए हो और अंदर से अनुभव की गहराई में डूब करके गुरुदेव ने प्रतिपादन किया इस समय सार ग्रंथा दे राज। एक एक बात उस गहराई से निकली है। गुरुदेव समय सार स्वरूप अनुभव करते थे अपने आप को। उन्होंने समय सार पढ़ा नहीं था, उन्होंने समय सार स्वरूप अनुभव किया था। हम समय सार शब्दों में पढ़ते हैं, हम समय सार चक्षु इंद्रिय से पढ़ते हैं, हम समय सार कर्णेन्द्रिय से सुनते हैं, जवान से बोलते हैं, लेकिन गुरुदेव अनुभव में बैठ करके बोलते थे। पहली गाथा हो गई। दूसरी गाथा में स्व समय और पर समय के माध्यम से समय को बताया। दूसरी गाथा में समय, स्व समय, पर समय, समय सार की व्याख्या की। समय सार किसका नाम है? समय शब्द के दो प्रकार से अर्थ किए गए। समय माने होता है पदार्थ, समय माने होता है वस्तु, समय माने है द्रव्य, और सारभूत बोले जीव आत्मा। तो छह द्रव्यों का नाम समय, और छह द्रव्यों में जो सारभूत है ऐसे आत्मा का नाम समय सार। बराबर एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ, समय शब्द का अर्थ ये सम उपसर्ग पूर्वक आय धातु से बना है। समय, समय शब्द है ना, तो ये जो समय है तो जो जो वस्तु परिणमन करे उसका नाम समय, और परिणमन के साथ साथ में जो 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 परिणमन के अर्थ में प्रयोग की जाती है वो धातुएं जानने के अर्थ में भी प्रयोग की जाती है। तो ज्ञान करके परिणमन करे माने समय का अर्थ हुआ आत्मा। दूसरा अर्थ किया अमरचंद्र स्वामी ने, समय माने आत्मा। तो सार मतलब क्या होगा? बोले द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित जो आत्मा है वो है समय सार। तीसरी गाथा में उस समय की शुद्धता की चर्चा की। चौथी गाथा में बतलाया काम भोग बंधन की कथा तो अनंत बार सुनी है, लेकिन त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की चर्चा को, शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा को कभी नहीं सुना। पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा ली कि उसी बात को समझाऊंगा, और छठी गाथा से उस समय सार को समझाना शुरू कर दिया। ना अप्रमत्त है, ना प्रमत्त है जो एक ज्ञायक भाव है।
पर्याय मात्र से पार कह दिया छठी गाथा में, और गुण भेद से पार कह दिया सातवीं गाथा में। ये विस्तार से चलता रहा और बारह गाथा के अंदर समय सार को पूरा कर दिया। पहला अधिकार खत्म हुआ गाथा 68 पर, जीवा जीवाधिकार। 68 गाथाओं में निबद्ध जीवा जीवाधिकार, चर्चा हुई जीव कौन है और अजीव कौन है, एकत्व और ममत्व बुद्धि को तोड़ाने का काम हुआ पहले अधिकार में। याद रहेगा पहला अधिकार जीवा जीवाधिकार, बात क्या है उसमें, एकत्व और ममत्व बुद्धि को तोड़ाने का काम किया है, खत्म हो गया, बस यही चर्चा। ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, बात खत्म, पहला अधिकार पूरा। दूसरा अधिकार नाम कर्ता कर्म अधिकार, ये मैं हूं ये मेरा है ये चर्चा तो हो गई, लेकिन मैं इसका कर्ता तो हूं, मैं इसका भोक्ता तो हूं। 69 नंबर गाथा से शुरू हुआ कर्ता कर्म अधिकार और चला 144 गाथा तक, सबसे बड़ा अधिकार है। 76 गाथाएं लिखी यहां, 68 से चालू हुआ 144 गाथा तक, 76 गाथाएं हुई, 76 गाथाएं। इसी कर्ता कर्म अधिकार का उत्तरार्ध एक और लिखा सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, उसमें 108 गाथाएं हैं। कर्ता कर्म अधिकार का उत्तरार्ध है, कर्ता कर्म की चर्चा है उसमें भी पूरी, 108 गाथाएं वहां, 76 गाथाएं यहां, टोटल कितनी हो गई 184। 184 गाथाएं कुंद कुंदाचार्य देव ने कर्ता कर्म के संबंध में लिखी, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा एक गाथा में भी एक लाइन में भी उन्होंने ईश्वर कर्तृत्व का निषेध नहीं किया। बोलो लगभग आधा समय सार हो गया, 415 गाथाओं में से 184 गाथाओं में कर्ता कर्म की चर्चा की है। भैया कर्ता कर्म अधिकार बतला रहा हूं, उस कर्ता कर्म अधिकार में किया क्या उन्होंने, कर्ता कर्म अधिकार में बताया क्या है हिसाब, यही तो बतलाया होगा, भगवान कर्ता धरता नहीं है, ईश्वर कर्ता धरता नहीं है, भगवान ने दुनिया को बनाया नहीं है, भगवान किसी का भला नहीं करते, यही तो समझाया होगा ना, आधी लाइन भी नहीं दी उन्होंने। कारण क्या हो सकता है भाई साहब, बोलो राजू भाई क्या कारण हो सकता है, एक वर्ड भी वेस्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्यों इसमें वेस्ट होने का क्या सवाल था, ये तो जैन दर्शन का बेस है, ये तो जन जन जानता है ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, ये बात कहने की जरूरत नहीं है। तो क्या बताने की जरूरत है कि ये जो व्यक्ति सारे जगत में छोटे छोटे से ईश्वर बने बैठे हैं ना, इनका कर्तृत्व तोड़ाना है क्या, ये जो कर्ता बन के बैठे हैं, मैं करता हूं मैं करता हूं, मैंने किया करण, मैंने किया, मैंने इतना काम किया, मैंने इतना काम किया, मैंने इतने ग्रंथ लिखे, मैंने इतना संपादन किया, मैंने इतने प्रवचन किए, मैंने इतनी व्याख्या की, मैंने ये मंदिर बनाया, मैंने ये काम, ये जो कर्ता अपन माथे पर सवार है ना, इसे तोड़ाना था। ये महत्वपूर्ण है, यहां से शुरू होता है जैन धर्म। ईश्वर कर्ता नहीं है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ईश्वर को कर्ता नहीं मानने वाले तो और भी दूसरे धर्म दर्शन हो सकते हैं जो ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, पता है कौन है, बौद्ध दर्शन वाले, पता है कौन है, चार्वाक दर्शन वाले, ईश्वर को ही नहीं मानते, कर्ता मानना तो बहुत दूर की बात है। यहां तो कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, एक परमाणु दूसरे परमाणु का कर्ता धरता नहीं है, कोई किसी को छूता नहीं है, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता है, बस ये चर्चा जहां संपन्न हुई और समझ में आ गई, समझ लो कर्ता कर्म अधिकार पूरा हो गया। दो अधिकार, पहला जीव जीव अधिकार, एकत्व और ममत्व बुद्धि को तोड़ाया, दूसरा कर्ता कर्म अधिकार जिसमें क्या तोड़ाया है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को तोड़ाया है, मैं पर का कर्ता नहीं मैं पर का भोक्ता नहीं, कर्ता कर्म अधिकार पूरा हो गया। अधिकार तीसरा शुरू हुआ, नाम क्या, पुण्य पाप अधिकार। अधिकारों के नाम याद होने चाहिए, क्या पहले का क्या नाम बताया था, जीव अजीव अधिकार, दूसरा पीछे वालों के समझ में आ रहा है क्या, कठिन हो तो बताना भाई, मेरे को सरल करना भी आता है, दो हो गए, नंबर तीन
पुण्य पाप अधिकार। तो पुण्य पाप अधिकार में तो पुण्य पाप की चर्चा की होगी कि और क्या होगा साहब, नाम तो यही है पुण्य पाप अधिकार। पूरा पुण्य पाप अधिकार लिख दिया और पुण्य पाप की परिभाषा नहीं लिखी, पूरा चैप्टर लिख दिया पुण्य पाप अधिकार लिख दिया और पूरे पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप की चर्चा ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप। तो क्या बताया है, बोले पुण्य भी पाप के समान है, ये बताया है। क्या पुण्य और पाप दोनों एक जैसे हैं, ये बतलाया है। पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, ये बतलाया है। पुण्य में धर्म नहीं है, ये बतलाया है। बोले पाप जैसा करते हो और अपने आप के परिणामों में जो खेत खिन्नता होती है, पुण्य परिणामों के साथ में भी ऐसा ही भाव आना चाहिए कि ये भी कुछ भला करने वाला नहीं है। लोहे और सोने की बेड़ी कहकर के दोनों को एक समान कह दिया, पुण्य और पाप। पुण्य और पाप की एकता की चर्चा हुई, तीसरा अधिकार हो गया। कठिन तो नहीं है, तीन पढ़ लिए अपन ने, गाथाएं कितनी हो गई, 145 से शुरू हुआ पुण्य पाप अधिकार, 145 से शुरू हुआ, कहां तक चला है, 163 तक, 163, 145 से 163 नंबर गाथा तक चला पुण्य पाप अधिकार। बराबर 163 पढ़ ली अपन ने, पुण्य पाप की समानता, बस इतना इतना पॉइंट समझ में आ गया। आपको समझ में आती है पुण्य पाप समान है, लोहे और सोने की बेड़ी है, बात नई नहीं है, सबने सुनी होगी, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी के समान है, सुना है ना सबने, एक एक लोहे की बेड़ी है और एक सोने की बेड़ी है, आपको कौन सी पसंद है राजू भाई, कोई भी पसंद नहीं है, बोलो भाई कौन सी पसंद है, प्रकाश भाई कोई भी पसंद नहीं है, चूक गए यार आप लोग, मैं अगला ऑप्शन देने वाला था, जिसको जिन बेड़ियों से बांधा जाएगा वो उसकी हो जाएगी। अब बोलो आप कौन सी से बंधना है, करण, फिर तो ठीक है सोने की बड़ी है। अरे आपको लोहा और सोना क्यों दिख रहा है, आपको बंधन क्यों नहीं दिखता है, क्या ज्ञानियों की दृष्टि, जिनकी दृष्टि बंधन पर होती है ना, उन्हें लोहा और सोना नहीं दिखाई देता है। ये कहां तक हो गया, 168 नंबर गाथा तक, 163, 163 नंबर गाथा तक पुण्य पाप अधिकार पूरा हो गया। चौथा अधिकार, अधिकार का नाम आश्रव, आश्रव अधिकार, 164 नंबर गाथा से शुरू हुआ और 180 नंबर गाथा तक चला आश्रव अधिकार, 180 तक चर्चा की गई, क्या की गई होगी भाई साहब, सुनो आश्रव अधिकार का सार ये है कि ज्ञानी के आश्रव नहीं होता। लो समझ में आ गया क्या, आश्रव अधिकार, आश्रव अधिकार में चर्चा की है, आश्रमों के बीच में रहते हुए भी ज्ञानी के आश्रव नहीं होता, बात खत्म, चैप्टर क्लोज हो गया आश्रव अधिकार। कि क्या बात कर रहे हो आप, कौन से ज्ञानी की बात कर रहे हो, सिद्ध भगवान की बात कर रहे हो कि अरहंतों की बात कर रहे हो, ज्ञानी तो वो भी है ना, मुनिराज भी ज्ञानी है, पंचम गुणस्थानवर्ती भी ज्ञानी है, चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक सब ज्ञानी है। सुनो ज्ञानी के आश्रम नहीं होता ये कहकर के कहना चाह रहे हैं, घर गृहस्थी में रहते हुए, भोगों के बीच में रहते हुए, विषय कषाय के बीच में रहते हुए ज्ञानी के आश्रम नहीं होता, कि क्या बात कर रहे हो, हमने तो देखा है उसके बंधन होते हुए देखा है, हमने तो उसे संसार में देखा है, आप कहते हो उसके आश्रम नहीं है, हम कैसे मान ले, आपने कह दिया और हमने मान लिया, उठाओ घूमट सर कर्मकांड उठा करके देखो, आपकी चर्चा चल रही है ना, अभी ले रहे हैं ना शैलेश भाई, बंद सत्ता आदि की चर्चा चल रही है ना, कुछ कर्मों की चर्चा चल रही है, कुछ इस तरह की स्थिति वगैरह की, स्थिति बंद की, तो बताओ ज्ञानी की स्थिति बंद होता है कि नहीं होता है, स्थिति बंद नहीं होता चौथे गुणस्थान वाले के, कर्म बंद नहीं होता उसके, बंद भी हो रहा है आश्रव भी हो रहा है, लेकिन आश्रव अधिकार में कुंद कुंदाचार्य देवी ये कह रहे हैं कि उसके आश्रव नहीं होता। कि साहब ये क्या ऐसी विरोधी बात कर रहे हैं आप, आश्रव कैसे नहीं होता उसके, आश्रव तो होता है, करणानुयोग के ग्रंथ कह रहे हैं, गोमट सारादि ग्रंथ कह रहे हैं, धवलादि ग्रंथ भरे पड़े हैं, माँ धवलापुरी की पूरी सात भाग इसी के लिए है, प्रकृति बंद प्रदेश बंद स्थिति अनुभाग बंद के लिए है, उसके बंद होता है, उसके कई भाव बाकी हैं अभी,
शेयोपशम सम्यक्त्व के साथ में हो तो 15 भाव, क्षायिक सम्यक्त्व के साथ में हो तो तीसरे चौथे भाव के अंदर मोक्ष चला जाए नियम से। तभी इतने भाव तो है ना, आयु कर्म तो बांधेगा ना अभी, तो भी बताए क्या कह रहे हैं कि सुनो एक बार गहराई से समझना तुम। मिथ्यात्व के साथ वाले आश्रव को ही आश्रव कहते हैं, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नहीं है। अब इसके बिना वाला आश्रव बोले वो आश्रव ही नहीं है, हम उसे आश्रव नहीं मानते। किसी व्यक्ति के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा हो, 1 करोड़ का कर्जा था और समझ लीजिए 99,99,999 रुपये का कर्जा चुका दिया, तो अब उसके माथे पे कर्जा है या नहीं है, वो कर्जदार है या नहीं है, बोलो आपके खाते में बोलेगा या नहीं बोलेगा ना भाई साहब, क्लियर नहीं हुआ है अभी, आप क्या मानते हैं उसे। अरे यार हो गया सब, निपट गया सब। देखो देखने में ये लग रहा है, बुक्स देखने पर ये लगेगा, यदि आप डेटर्स की लिस्ट निकालेंगे क्या तो आपको उसमें उसका भी नाम आएगा, 1 रुपये वाले का भी। आप डेटर्स की लिस्ट निकालते हैं तो उस लिस्ट में उसका भी नाम आएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अब कर्जा कुछ नहीं बचा है। अरे संसार में रहने का मोटा मोटा कर्जा था मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी निकल गया, अब कोई आश्रव होता ही नहीं है, अब इसे आश्रव नहीं कहते। कहने में कुछ भी कहते रहो, साहब संसार में घूम रहा है, क्या बात कर रहे हो आप, अभी तो परिभ्रमण हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ फैन का स्विच ऑफ किया आपने, फैन बंद हुआ कि नहीं हुआ, चलता हुआ दिखाई दे रहा है, घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, आप कहो तो रिकॉर्डिंग भेजें आपको, अभी भी चल रहा है, चल रहा है ना अभी कि रुक गया है, रुकना निश्चित है। अरे ये जो चल रहा है ना, ये चलने के लिए नहीं चल रहा है, ये रुकने के लिए चल रहा है। बात समझ रहा है क्या, क्या ये चलने के लिए नहीं चल रहा है। अब सम्यक दृष्टि जीव के जो आश्रव हो रहा है वो आश्रव के लिए आश्रव नहीं हो रहा है, तो चल रहा है, चुक गया है, अब तो निपट गया है। तो आश्रव अधिकार में क्या कह दिया, ज्ञानी के आश्रव नहीं होता, बात खत्म। 180 गाथाएं हो गई, आगे चलें। संवर अधिकार 181 से शुरू हुआ और कहां तक चला, 182 नंबर गाथा से 192 नंबर गाथा तक चला संवर अधिकार। संवर, संवर क्या होता है, संवर भाई साहब क्या आश्रव निरोध है, संवर है कि तुम समय सार पढ़ रहे हो, तत्वार सूत्र नहीं। आश्रव निरोधे संवरे की व्याख्या तत्वार सूत्र की व्याख्या हो सकती है। समय सार में कुंद कुंदाचार्य देव ये कहते हैं उपयोग में उपयोग है संवर। संवर अधिकार लिखा, संवर की चर्चा नहीं की। संवर अधिकार लिखा, आते हुए कर्मों के रुकने की बात नहीं कही। सारा जगत ये कहता है आते हुए कर्मों के रुकने का नाम संवर है, और कुंद कुंदाचार्य देव ये कहते हैं उपयोग में उपयोग है, इसका नाम संवर है। ये क्या बात करते हैं यार, ये कैसी बातें करते हैं बोलो। संवर अधिकार लिख रहे हैं और गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्र्य की चर्चा नहीं कर रहे। आश्रव अधिकार लिख दिया और मिथ्यात्व विरति प्रमाद कषाय योग आश्रव के कारणों की चर्चा नहीं करी। ये क्या कर रहे हैं आप कि सुनो मैं परमागम लिख रहा हूं, तुम आगम की बात कर रहे हो। आप जानते हैं आगम और परमागम में क्या अंतर है, आगम क्या होता है, परमागम क्या होता है। छह द्रव्य की बात जहां होती है वो आगम है, और परमागम जीव की जहां चर्चा हो वो परमागम है। द्रव्य संग्रह आगम है कि परमागम है, आगम है पता नहीं, सोचो सोचो जरा। सेवंती भाई क्या है, सुनो सुनो सुनो, अकेले छह द्रव्य और आत्मा ऐसा ऐसा भेद नहीं चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जो बात सुन सुन करके चली आई हो उसका नाम है आगम,
और जिसमें सुनने की मुख्यता नहीं हो अनुभव की बात हो वो है परमागम। सवाल आत्मा का नहीं है क्या, समझ में आ रही है बात? आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, ये चर्चा आगम है, लेकिन शुद्धोपयोग अतिंद्रिय आनंद मैं मुक्त हूँ बंधन नहीं है, ये फीलिंग की बात है। पुण्य और पाप दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, ये फीलिंग की बात है, ये अनुभव की बात है, ये परमागम है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी की गाथाएं आगम नहीं है परमागम है। आगम तीन अक्षर है आगम में। आ कहते हैं आप्त को, गए माने होता है गणधर और मैं माने होता है मुनि। आ ग म आप्त गणधर और मुनिराज माने आप्त के द्वारा कहा गया, तीर्थंकरों के द्वारा कहा गया, आ गणधरों के द्वारा गूंथा गया और परंपरा से मुनिराजों द्वारा लिखा गया, उसका नाम है आगम। समझ में आ रही है बात? जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, बोले आगम है। पंचमेरु की रचना किस प्रकार की है, बोले आगम है। कर्म प्रकृतियां कितनी है, बोले आगम है। समझ में आ रही है बात? आगम माने क्या चीज है, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो नाप के आया हूं, आपको सुन के ही बताना पड़ेगा। जो बात केवल ज्ञानियों से चली आई हो उसका नाम आगम है, और जिसमें केवल ज्ञान की अपेक्षा नहीं हो, पुण्य और पाप कि केवलियों ने कहा है इसलिए समान कह रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं ये शुभोपयोग मुझे आपकी तरह नजर आता है, ये परमात्मा है। बात समझ में आई क्या कह रहे हैं? संवर अधिकार में वो क्या कह रहे हैं, उपयोग में उपयोग हो गया संवर, कर्म की तरफ देखना ही नहीं है, कौन कर्म की तरफ देखे, ये संवर अधिकार का सार हो गया, कर्म की चर्चा नहीं। आगे बढ़ो, अधिकार निर्जरा अधिकार, क्या चर्चा हुई भाई साहब निर्जरा अधिकार में, निर्जरा अधिकार में क्या चर्चा हुई? गाथा नंबर कहां से शुरू हुआ, 193 से शुरू हुआ और कहां तक चला, 193 नंबर गाथा से निर्जराधिकार शुरू हुआ और चला कहां तक, 238 तक, नहीं हाँ 236 तक, 236 तक चला निर्जराधिकार, ठीक है ना। क्या चर्चा हुई भाई साहब निर्जराधिकार में, ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु है, निर्जरा ज्ञानी के भोग के काल में भी निर्जरा चल रही है, उन्हें ये नहीं समझाना है कि कर्म धीरे धीरे से जड़ रहे हैं, ये नहीं समझाना है, कर्म छूट रहे हैं ये नहीं समझाना है। निर्जरा अधिकार में क्या समझा रहे हैं कि ज्ञानी जीव भोग के काल में भी ज्ञानी के निर्जरा हो रही है, ये निर्जरा अधिकार। तीन मुख्य बिंदु कहता हूं मैं निर्जरा अधिकार में। पहला बिंदु तो ये हो गया कि ज्ञानी के भोग के काल में भी निर्जरा हो रही है, भोग भोगते हुए भी निर्जरा हो रही है। पॉइंट नंबर दो, अभी गुरुदेव ने बतलाया था अपने व्याख्यान में, यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं, अरे बार बार में हवाला दे रहे थे ना, निर्जरा अधिकार में लिखा है, निर्जरा अधिकार में लिखा है, क्या लिखा है निर्जरा अधिकार में, कि ये लिखा है ये मेरा है कि सुन ये अजीव है, ये तेरा हो जाए तो तेरे को अजीव बनना पड़ेगा। ये निर्जरा अधिकार की गाथाएं, परिग्रह तेरा नहीं है, परद्रव्य तेरा नहीं है, पर वस्तु में तेरा अपनापन नहीं है, इनसे भिन्नता की चर्चा। पॉइंट नंबर दो, दो पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट भोग भोगते हुए भी निर्जरा हो रही है, पॉइंट नंबर दो परिग्रह मेरा नहीं है, दो हो गए, और पॉइंट नंबर तीन निशंकित आदि आठ अंगों की चर्चा, सम्यक दृष्टि के निशंकित आदि आठ अंगों की चर्चा ये अधिकार समापन करते करते की कुंदकुंदाचार्य देव ने। निशंकितपना, फिर सप्त भयों की चर्चा कर ली, निशंकितपने को समझाते हुए सप्त भय बतला दिए, सप्त भयों से रहित पना बतला दिया। आपके नीलेश भाई लेते हैं कई बार, अच्छा कभी लिया होगा नीलेश भाई ने प्रकरण, सुना क्या आप लोगों ने, अंगों की चर्चा नीलेश भाई बहुत अच्छी लेते हैं। निशंकितपना, निकांक्षितपना, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, फिर वो निशंकितपने की चर्चा करते हुए अमृतचंद्र स्वामी ने छह कलशों में सात भय बतला दिए, सात भयों से रहितपने की चर्चा की, निर्जराधिकार संपन्न हो गया। मूल पॉइंट ये था कि ज्ञानी जीव कुछ भी करे निर्जरा चल रही है,
भूख के काल में भी निर्जरा चल रही है, हो गया निर्जरा अधिकार। आ जाओ कहाँ पे, मोक्ष अधिकार, समापन की तरफ आ रहे हैं। बंद अधिकार, बंद अधिकार, निर्जरा अधिकार के बाद में बंद अधिकार की चर्चा। और क्या चर्चा की इस बंद अधिकार में? बंद नहीं है, बंद नहीं है आत्मा में, बंद नहीं है। और वो ऐसी गाथाएं थी वो कसरत करने वालों की, एक्सरसाइज करने वालों की, तेरे चिकनाई होती है तो बंधन होगा, राग की चिकनाई है तो बंधन है। बंधन का कारण परद्रव्य नहीं है, बंधन का कारण हिंसा नहीं है, बंधन का कारण विषय भोग नहीं है, बंधन का कारण कारमान वर्गणाएं नहीं है। बनारसी दाल जी का प्रसिद्ध श्लोक, प्रसिद्ध छंद बनारसी दाल जी का, कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो, और चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विष भोग सो। चार बातें कह दी, क्या बात कह दी है? कौन सा अधिकार पढ़ रहे हैं? बंद अधिकार। कितने पढ़ लिए अभी तक? छः। किसी ने छः पढ़े हैं, किसी ने पाँच, किसी ने सात, छः हैं। वापस वापस गिन लो, वापस गिन लो। पहला नंबर कौन सा था? जीव अजीव अधिकार। नंबर दो कर्ता कर्म अधिकार, दो याद हो गए। नंबर तीन पुण्य पाप अधिकार, तीसरा नंबर पुण्य पाप अधिकार, चौथा नंबर आश्रव अधिकार, और पांचवा नंबर संवर अधिकार। पांच हो गए संवर तक। छठा निर्जरा अधिकार, छह हो गए निर्जरा तक हो गए छह। सातवें अधिकार का नाम बंद अधिकार। बंद अधिकार में चर्चा क्या है? कर्म नहीं बांधते जीव को। लो चार बिंदु दिए, कर्म से ये जीव नहीं बंधता तो फिर साहब मन वचन काय से बंधता होगा? बोले मन वचन काय से भी नहीं बंधता। तो फिर हिंसा के कारण तो बंधता है? बोले हिंसा से भी नहीं बंधता। तो फिर पंचेंद्री के विषय भोगों को भोगने से तो बंधन होता है? बोले इससे भी नहीं होता। हे यार क्या लंबे लंबे फेंके जा रहे हो आप, पागल समझ रखा है हमारे को, तुम कुछ भी कहोगे और हम मान लेंगे। हे होता ही नहीं है बंधन, माने किस किस से नहीं हो रहा? कर्म बांधने में समर्थ नहीं है, मन वचन काय से नहीं होता, किसी जीव की हिंसा हो जाए तो बंधन नहीं है, और पांचों इंद्रियों के विषय भोगों को भोगने से बंधन नहीं है। ये कैसी उठपटंग बातें लिख रहे हो, ये बंध अधिकार कह रहा है? बोलो कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो, और चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विष भोग सो। हम कैसे मान लें ये बताओ, हम कैसे मान लें कि सुनो यदि कर्म से बंधता हो तो सिद्ध भगवान भी बंधने चाहिए? सिद्ध तो नहीं बंधते, सीधी सी बात है, सिद्धों के तो बंधन नहीं होता है, इसका मतलब कर्म तो बांधने में समर्थ नहीं है। तो फिर मन वचन काय से बंधता होगा? कि अरहंत भगवान के मन वचन काय होते हुए भी बंधन नहीं होता, इसका मतलब मन वचन काय भी बांधने में समर्थ नहीं है। क्योंकि मन वचन काय से बंधते हो तो अरहंतों के भी बंधन होना चाहिए। तो फिर हिंसा से तो होता होगा? कि हिंसा से बंधन मुनिराजों के नहीं होता। चार हाथ जमीन देखकर चलने वाले मुनिराजों के पैर के नीचे आकर यदि कोई जीव मर जाए तो उन्हें हिंसा का पाप नहीं लगता, उस हिंसा से बंधन नहीं होता, उन्हें हिंसा नहीं होती। तो फिर भोगों से तो होता होगा कि ज्ञानी जीव भोग भोगता हुआ भी उसे बंधन नहीं होता। समझ में आ गई? के कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सोने बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विष भोग सो, और कर्म सो अबंध सिद्ध योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञानी विषय भोग सो, और इत्यादिक वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव, बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो।
ये बंद अधिकार का सार है कि कोई परद्रव्य तुझे बांधने में समर्थ नहीं है, कोई जड़ की क्रिया तेरे बंधन में कारण नहीं है। तेरा अशुद्धोपयोग, तेरा राग, तेरा मिथ्यात्व, तेरा विकार, तेरी उल्टी मान्यता, ये तेरा बंधन है। तू कर्म से नहीं बंधता, तू अपनी मान्यता से बंधा है। बंध अधिकार पूरा हो गया, बंधन का मूल कारण बंध अधिकार में बतला दिया। मोक्ष अधिकार, मोक्ष अधिकार की चर्चा चालू हुई। कहाँ से चर्चा शुरू हुई? गाथा नंबर कहाँ तक पहुँच गए अपन? 288, 288 पे। 288 से मोक्ष अधिकार शुरू हुआ और गाथा नंबर चला 307, नहीं 307, गाथा नंबर 307 तक मोक्ष अधिकार। चर्चा क्या हुई भाई साहब? अरे तू मुक्त स्वरूप है, ये चर्चा मोक्ष अधिकार में हुई है। क्या बंधन की चर्चा से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती? आत्मा बंधा है, ये चर्चा करना बंधन का मूल कारण है। बंध और मुक्ति की चर्चा, यदि तू अपने आप को बंधा और मुक्त मानेगा तो बंधेगा निर्भ्रांत ही। इसलिए तू तो अपने आप को मुक्त अनुभव कर, मोक्ष अधिकार की चर्चा हो गई। और फिर 308 नंबर गाथा से फिर चालू हुआ सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, फिर उसमें अकर्तृत्व की चर्चा करने लग गए। समझ में आया क्या समय सर? हो गए क्या अधिकार पूरे? पूरे अधिकारों में क्या समझाया है भाई साहब? भगवान आत्मा का स्वरूप समझाने का प्रयास किया है, अकर्तापन अभोक्तापन समझाने का प्रयास किया है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये समझाने का प्रयास किया है। कि साहब विस्तार बहुत हो गया, इतना विस्तार अभी से संक्षेप में समझाया है आपको आधे पौन घंटे में, फिर भी आपको विस्तार लग रहा है, कुछ संक्षेप में बतला दो। तो अमृत चंद्राचार्य देव ने परिशिष्ट में व्याख्या करते हुए ज्ञान मात्र कह दिया। बोले ज्ञान मात्र में सब बातें आ गई। ये भगवान आत्मा कैसा है, इस भगवान आत्मा का क्या स्वरूप है? बोले ये आत्म तत्व तो ज्ञान मात्र है। बोले ज्ञान मात्र क्यों कह रहे हो, हम तो अनेकांतवादी हैं। परिशिष्ट में स्यादवाद अधिकार लिख दिया। क्या हम तो अनेकांतवादी हैं, तुम अकेले ज्ञान मात्र की चर्चा क्यों करते हो? बोलो ज्ञान मात्र की चर्चा, आत्मा ज्ञान मात्र है, आत्मा ज्ञान मात्र है। क्या लगता है भैया, ज्ञान मात्र है आत्मा? ज्ञान मात्र, मात्र ओनली, सिर्फ ज्ञान, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। आत्मा तो ज्ञान से ज्ञान ही है बस, दूसरे नहीं है। अरे भाई साहब, एक एक की प्रमुखता से बात करते हैं और ज्ञान मात्र कहने में अन्य अनंत गुण उसमें गर्भित कर लिए गए हैं। इस बात की सिद्धि करते हुए ये परिशिष्ट इन्होंने प्रारंभ किया। परिशिष्ट में 14 बिंदुओं के माध्यम से पहले गद्य में चर्चा की, फिर उसके बाद में कलश दे करके उन्हीं बातों को समझाया। तत् अतत् एक अनेक नहीं, स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वक्षेत्र परक्षेत्र, स्वकाल परकाल, स्वभाव प्रभाव, नित्य अनित्य, इन इन बिंदुओं के माध्यम से अनेकांत स्वरूप आत्मा को बतलाया। और फिर उसी अनेकांत स्वरूप की चर्चा करते हुए 47 शक्तियों की चर्चा प्रारंभ की। क्या किसकी चर्चा करें, किसकी चर्चा प्रारंभ की? 47 शक्तियों की। कितनी शक्तियाँ? 47 शक्तियां। कितनी आत्मा में? अनंत। और तुम कौन? मैं आत्मा। तो किसकी शक्तियों की चर्चा चल रही है? बस मेरी मेरी, ऐसे ऐसे चेहरा लटकाए तो बैठे और कह रहे मेरी शक्तियां। अरे शक्तियों की चर्चा होती है, ऐसे उछलता है आदमी। जब जब कोई पावर मिल जाती है तो कितना उत्साह होता है, बतलाओ। हाँ मेरे में भी अनंत शक्तियाँ हैं। अभी 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 किसी के बारे में चर्चा चले, बोलो किसी के बारे में हम वर्णन करते हुए कहें, कोई साधु महात्मा हो, कोई समझ लो आप चलते फिरते आ रहे हो, कोई उन्होंने दुपट्टा ओढ़ रखा हो, माथे पे तिलक लगा रखा हो, कोई ऐसा कुछ पहन रखा हो, वेश कुछ इस प्रकार का हो, और उस व्यक्ति को देख करके आप जानते नहीं थे और हमने कहा पता है भाई साहब इनके पास में कुछ शक्तियाँ हैं। अच्छा आप क्या कहेंगे? आपने बताया नहीं रमेश भाई मेरे पास भी शक्तियां हैं कुछ। क्या मैंने थोड़ा सा ऐसा लिख दो ना कि इनके पास में कुछ शक्तियां हैं, तो ऐसे लगने लगता है कि यार ऐसा
मैंने एक दिन कहा ऐसा, दिल्ली में सभा चल रही थी इसी तरह की, मैंने ऐसा बोल दिया तो एकदम तो सोचने लगे मेरे पास कई शक्तियाँ हैं, आप समझते क्या हो, आपको मालूम नहीं है क्या? अच्छा, हो सकता है पंडित जी साहब, क्या साधना करते हैं कुछ भी प्रकट हो सकती है क्या? फिर मैंने बताना शुरू किया, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, सच्चत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणाम में परिणामत्व शक्ति, त्यागोपादन। अरे राम, आप क्या बात कर रहे हैं, क्यों ये मेरी शक्तियाँ नहीं है क्या? एक ऐसी शक्तियाँ हैं, चलो शक्तियों की चर्चा करते ही आपको क्या फीलिंग होती है, आपको कैसा लगता है? कोई ऐसी ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई शक्ति आ जाए हमारे पास में, आकाश में उड़ने लगे, वाह यार मजा आ जाए। कोई ऐसी ऐसी कोई शक्ति आ जाए, है बटन दबाते ऐसे गायब हो जाए, मिस्टर इंडिया जैसा गायब हो गए, अदृश्य हो गए, कितना कितना अच्छा लगे बताओ, नहीं लगता है कभी ऐसा? ऐसी कोई शक्तियाँ आपके पास में आ जाए तो नहीं चाहिए ऐसी कोई शक्तियाँ? ये कैसी शक्ति है? ये पावर्स की चर्चा चल रही है, ये कैसी पावर है जिसकी चर्चा यहाँ करने वाले हैं हम? ये कौन सी शक्तियाँ हैं जो मेरे स्वरूप को बतलाने वाली है? ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जिन शक्तियों की मुझे खबर नहीं है, उन शक्तियों का परिचय करा रहे हैं? किसी व्यक्ति के पास में शक्तियाँ होते हुए भी यदि उसे अपनी शक्तियों का परिचय नहीं हो तो वो दीनहीन दरिद्री बना फिरता है, दर दर की ठोकरें खाता है। ये शक्तियों और रिद्धियों का स्वरूप ही इसी प्रकार का होता है, इसको पता नहीं होता, व्यक्तिगत पता नहीं होता। जब रिद्धियां प्रकट होती है मुनिराजों के जीवन में तो उन्हें पता नहीं होता। विष्णु कुमार की घटना किससे छिपी है पता नहीं था उनको, किसी ने बताया तुम्हारे को विक्रिय रिद्धि है, अच्छा हाथ ऊपर करके देखा, और मुझे तो मालूम ही नहीं था। आपके पास में कितनी शक्तियां हैं मालूम है आपको? हमें पता नहीं है। ये अमृत चंद्राचार्य आए हैं यहाँ पर बताने के लिए, क्या ये अमृत चंद्राचार्य हैं? ये मुझसे मेरा परिचय कराते हैं क्या? ये अमृत चंद्राचार्य बतलाते हैं कि तुझे पता नहीं है तू है कौन। पॉजिटिविटी की जितनी चर्चा आज के समय में चलती है, समाज में चलती है, दुनिया में चलती है, जन जन थोड़ा सा समझदार व्यक्ति होगा वो ये कहेगा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव बातें मत करो, नेगेटिव बात मत करो। और इस पॉजिटिविटी की चर्चा सुनने के लिए दो दो पांच पांच हजार का टिकट देकर के लोग सेमिनारों में जाते हैं। फ्री में बताने आया हूं क्या? दो दो पांच पांच हजार के टिकट देते हैं, वहां जाकर के लोग क्या समझाते हैं? सुनो, इस पॉजिटिविटी के जनक यदि आज के इस समय में किसी को कहा जा सकता है तो वे कुंद कुंदाचार्य देव हैं। पॉजिटिविटी की चर्चा कुंद कुंदाचार्य देव ने इस ग्रंथादिराज समय सार की 186वीं गाथा में की। जो जानता मैं शुद्ध हूं वो शुद्धता को प्राप्त हो, और अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। बोलो, इससे ज्यादा पॉजिटिविटी की चर्चा कहाँ आएगी? इससे पहले उठा के देख लो, आप इतिहास उठा करके देख लो किसी ने चर्चा की हो तो। माने कुंद कुंदाचार्य देव ने इस पॉजिटिविटी की चर्चा को एक गाथा में उठाया, और गुरुदेव ने अपने हर व्याख्यान में हूं परमात्मा छू कहकर के पॉजिटिविटी भरने का प्रयास किया। पॉजिटिव सोचो, अरे मैं विकारी हूं, अरे बंद करिए बातें, क्या कर रहा है ये, विचार करने योग्य बातें। अरे साहब बंधन तो हो रहा है, अब राग तो है ना, मिथ्यात्व तो है ना, संसार दशा तो है ना, अरे ये बातें करने लायक नहीं है, यहाँ तो ये परमात्मा बतला रहे हैं और तू अपने आप को संसारी कह रहा है, तू अपने आप को गृहस्थ कह रहा है, तू अपने आप को भिखारी कह रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? तेरे को पता नहीं है कि तू है कौन? हमें मालूम नहीं है कि हमारी हैसियत क्या है, हमें मालूम नहीं है कि हमारा अस्तित्व कैसा है, हमें मालूम नहीं है हमारी शक्तियां कैसी है, हमारी पावर्स किस प्रकार की है। ये अमृत चंद्राचार्य नहीं होते और गुरुदेव यदि 45-45 वर्षों तक खोल खोल करके नहीं बतलाते तो हम दरिद्री बने फिरते हैं यहां। ये उत्साह कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, अंदर से आ रहा है। इन शक्तियों को अनुभव किया, इन शक्तियों को फील किया गुरुदेव ने और बतलाया। निर्णय करो, बस निर्णय करना है। शक्तियां कहीं बाहर से नहीं लानी है। जिन शक्तियों की चर्चा यहां की जानी है ये शक्तियां कहीं बाहर से नहीं आएगी, ये शक्तियां है, प्रकट होनी है, और प्रकट होनी है उछलती हुई शक्तियों की बात कर रहे हैं।
आपको मालूम है इन शक्तियों की चर्चा पारिणामिक भाव स्वरूप है। ये शक्तियाँ पांच भावों में से यदि इन शक्तियों को किसी भाव में रखना हो तो कहाँ आएगा? क्या ये शक्तियाँ औदयिक भाव रूप नहीं है, ये शक्तियाँ औपशमिक भाव रूप नहीं है, ये शक्तियाँ क्षयोपशमिक क्षायिक भाव रूप नहीं है, ये शक्तियाँ पारिणामिक भाव रूप है। पारिणामिक भाव त्रिकाल है ना। यदि अन्य भावों रूप मानेंगे, देखो औदयिक भावों रूप यदि इन शक्तियों को माना जाए तो क्या होगा? नाश हो जाएगा, विकार है, छूट जाएंगी, खत्म हो जाएगी। औदयिक भाव अनादि शांत है, अपनी अपेक्षा से बात कर रहे हैं, भव्य जीवों की अपेक्षा से, अभव्य की बात नहीं करना अभी। औदयिक भाव कैसा है हमारी अपेक्षा से? अनादि शांत है। और क्षयोपशमिक भाव अनादि शांत। और मोक्ष मार्ग की अपेक्षा यदि क्षयोपशमिक भाव को लो तो साधी शांत, बराबर। औपशमिक भाव साधी शांत, क्षायिक भाव साधी अनंत। भाव थोड़ी ना समझाने पड़ेंगे, शैलेश भाई की सभा है भाई, क्या साधी अनंत शायिक भाव, और ये पारिणामिक भाव अनादि अनंत। माने ये चार भाव जो हैं ये त्रिकाल नहीं है, और पारिणामिक भाव त्रिकाल है। तो ये शक्तियां त्रिकाल हैं कि नहीं पैदा होगी? ये त्रिकाल है, ये शक्तियां त्रिकाल है, इसलिए पारिणामिक भाव स्वरूप है। और पारिणामिक भाव स्वरूप है इसका मतलब जानते हो आप? पारिणामिक भाव स्वरूप है इसका मतलब ये है कि किसी में हो और किसी में नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, ये जीव मात्र में है। ये पारिणामिक भाव स्वरूप है इसका मतलब जानते हैं? पारिणामिक भाव स्वरूप है इसका मतलब ये है कि निगोद दशा में भी मेरी शक्तियों में कोई कमी नहीं आई। पारिणामिक भाव स्वरूप है इसका मतलब ये, नरक में चला गया, तिल तिल देह के खंड हुए, उसके बावजूद भी मेरी शक्तियों में रंच मात्र कमी नहीं पड़ी, इसका नाम है पारिणामिक भाव स्वरूप है। ये कैसी शक्तियां हैं भाई साहब? ये त्रिकाल रहने वाली शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ, पारिणामिक भाव स्वरूप इन शक्तियों की चर्चा। किंतु अमृत चंद्राचार्य देव ने जब इन शक्तियों की चर्चा प्रारंभ की तो इन शक्तियों के उछलते हुएपन की चर्चा की, उछलती हुई शक्तियां। हेलो आपको, ये शक्तियां उछलती हुई है, तो उछलती हुई कह करके उसमें परिणमन को भी शामिल कर लिया। यद्यपि ये शक्तियां पारिणामिक भाव स्वरूप है, त्रिकाल है, लेकिन उछलता हुआ परिणमन कह करके उसमें क्या शामिल कर लिया? परिणमन भी शामिल कर लिया। वो परिणमन कौन सा? बोले निर्मल परिणमन को शामिल किया गया। और जब निर्मल परिणमन को इन शक्तियों में शामिल किया गया, बारीक बातें थोड़ी सी उपयोग एकाग्र करके समझना, जब निर्मल परिणमन को इनमें शामिल किया गया तो औपशमिक भाव शामिल हो गया, निर्मल परिणमन, क्षायिक भाव भी शामिल हो गया, और ज्ञानी जीव का क्षयोपशमिक भाव भी शामिल हो गया। उछलती हुई शक्तियों की चर्चा की है, ये शक्तियां उछल रही है, इन शक्तियों में निर्मल परिणमन को शामिल किया गया है। आत्मा में जो निर्मल परिणमन है, अरे क्या उत्साह पर्याय में प्रकट है, देखो आप, उनकी चर्चा यहां जगह जगह पर की गई। गुरुदेव बार बार में कहा करते थे, उछलती हुई शक्ति, उछल रही है शक्तियां, आत्मा में उछल रही है, तो निर्मल परिणमन को शामिल किया, माने पर्याय को इन शक्तियों में शामिल किया गया है। पर्याय को शामिल करके यहां बात की गई है। फिर प्रश्न खड़ा होता है एक, कैसा पर्याय को शामिल किया गया है तो विकारी परिणमन को क्यों छोड़ दिया? विकारी परिणमन शामिल नहीं है यहां, ध्यान देना चैतन्य क्या कह रहे हैं, निर्मल परिणमन को तो शामिल किया शक्तियों में, लेकिन विकारी परिणमन को शक्तियों में शामिल नहीं किया। कारण त्रिकाल नहीं है, एक पॉइंट हुआ, और बतलाओ, स्वभाव नहीं है, और कोई अच्छा पॉइंट, कोई शक्ति वाला कोई पॉइंट आ जाए, शक्तिशाली पॉइंट, नाश हो जाएगा? नहीं,
विकारी परिणमन को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि शक्ति की चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव बार बार में अपने व्याख्यानों में कहते हैं ये शक्ति की चर्चा है, कमजोरी की नहीं। विकार कमजोरी है, विकार शक्ति नहीं है। चर्चा तो शक्ति की कर रहे हैं, विकार शक्ति कैसे हो सकता है? विकार तो कमजोरी है, कमजोरी को थोड़ी ना शामिल करेंगे। कोई व्यक्ति कहीं जाकर के पिट गया, पिट करके आ गया और कहे देखो मेरी शक्ति, देखो मेरी शक्ति, तू पिट करके आया है फिर कह रहा है मेरी शक्ति। पिटने का नाम शक्ति है, रोने का नाम शक्ति है, अरे उत्साह का नाम शक्ति है। शक्ति में उत्साह होता है, शक्ति में पावर होती है। और सुनो, उछलती हुई जब बात कही ना, तो उछलना ऊपर की तरफ होता है। ऊपर की तरफ उछलने में निर्मल परिणमन है, नीचे गिरने की बात करो तो विकार ले लेंगे। विकार गिराता है और उछलने में ऊपर जाया जाता है। ये उछलती हुई शक्तियों की चर्चा कह करके ये उत्साह की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं। नेगेटिविटी को यहाँ अवकाश नहीं है, यहाँ निषेधात्मक बात नहीं करेंगे कि कितनी शक्तियों की बात करोगे ये बताओ। अमृत चंद्राचार्य देव से पूछा कितनी शक्तियों की बात करोगे, कितनी की करेंगे भाई साहब? 47 की करेंगे, अनंत की करेंगे? 47 ही क्यों की यार? ये यहाँ समय सार परिशिष्ट में उन्होंने 47 शक्तियों की चर्चा कर दी और प्रवचन सार परिशिष्ट में 47 नए की चर्चा कर दी। ये 47 का फेवरेट लक्की नंबर था क्या उनका? 47 बहुत पसंद था उनको, अमृत चंद्राचार्य देव को। ये 47 की चर्चा क्यों की भाई? स्वरूप में मग्न रहने वाले वीतरागी संत विकल्प पूर्वक कोई काम नहीं करते। ये लेखन आदि का कार्य भी विकल्प पूर्वक नहीं होता। जब तक विकल्प आता रहा और विकल्प अनुसार कागज मसी अक्षर आकार ये लेखनी चलती गई, तब तक शक्तियों का वर्णन होता गया। जब विकल्प टूट गया तो लेखनी छूट गई, ऐसा होता है। गिन गिन करके नहीं लिखी, देख देख करके नहीं लिखी उन्होंने। कितनी लिखनी है ये सोच करके नहीं लिखी, वे तो लिखते चले गए। स्वरूप में जाते थे, उपयोग बाहर निकलता था, जितना लिखने का विकल्प आया उतना लिखते चले गए। अब संयोग की बात यह है कि 47 पर आकर के कलम रुक गई, तो हमने प्रश्न खड़ा कर दिया कि 47 की चर्चा क्यों की। 48 कहते तो 48 की बात खड़ी कर देते, 48 ही क्यों लिखी? उनकी कलम यदि 45 पे रुक जाती तो आप प्रश्न करते 45 ही क्यों रुकी? फिर हम जोड़ तोड़ बैठाते कुछ ना कुछ। 45 कहते तो 45 के हिसाब से बैठाने लगते, 47 लिख दिया तो हम 47 के हिसाब से बैठाने लगते हैं। हम कोई कमजोर थोड़ी ना हिसाब में, हमारी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है। तो हम फटाफट 47 शक्तियों की चर्चा किसके लिए कि आपको मालूम है घातिया कर्मों की प्रकृतियां 47 होती है। 47 है घातिया कर्मों की प्रकृतियां। क्या? अच्छा, ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, मोहनी की 28 और अंतराय की 5, और टोटल कितनी हो गई? 47। 47 हो गई ना टोटल। बोले एक एक कर्म प्रकृतियों के अभाव के लिए अमृत चंद्राचार्य देव ने एक एक शक्ति लिखी है, 47 कर्म प्रकृतियों के अभाव के लिए। तो आज अपन एक तो पढ़ लें तो एक प्रकृति तो चली जाए, ऐसे नहीं होगा। अरे भाई साहब, ये सब शक्तियां त्रिकाल मौजूद है, 47 नहीं है, अनंत है। तुम एक बार अपनी उस शक्ति को पहचानने का प्रयास तो करो। एक बार यदि तुम अपनी उस शक्ति को गहराई से पहचानने का प्रयास करोगे और यदि निर्णय करोगे, उसका अनुभव करोगे, तो पर्याय में वे शक्तियां प्रकट हो जाएगी। फिर वो दिन दूर नहीं है कि जब ये शक्तियां पर्याय में प्रकट होकर आपके अनुभव का विषय बनेगी, और जब अनुभव का विषय बनेगी तो शक्तियां जो मौजूद थी उसका आनंद आएगा। शक्तियां हैं लेकिन होते हुए भी स्वीकृति के बिना आनंद नहीं आता, पता हुए बिना मजा नहीं आता। कहां कहां कितनी कितनी शक्तियां हैं। ये जो डब्बा है ना, ये क्या क्या, इस डब्बे में बहुत सारी शक्तियां हैं, मालूम है आपको? है भाई साहब, पुद्गलों की शक्ति भी कोई कम नहीं है। चेतन में अनंत शक्तियां हैं तो पुद्गलों में भी कुछ शक्तियां कम नहीं है।
काव्य अपूवती सदे पुगल दफस एरीसी शक्ति ऐसा कहते हैं। इन पुद्गलों में भी बहुत शक्तियां हैं, लेकिन यदि आपको इस डब्बे की शक्ति का पता नहीं हो तो बोलो आप इस मोबाइल का कितना उपयोग कर सकते हो, आपको कितना लाभ होगा। जैसे ही आपको पता लगता है, आपको मालूम है इसका फीचर ये भी, अरे यार मुझे मालूम ही नहीं था, गजब यार। तो सुनो, यहाँ इन 47 शक्तियों के माध्यम से आत्मा के फीचर्स बतलाए जाएंगे, यहाँ इन 47 शक्तियों के माध्यम से मुझसे मेरा परिचय कराया जाएगा, यहाँ इन 47 शक्तियों के माध्यम से मेरे गुण धर्मों की चर्चा की जाएगी, यहाँ इन 47 शक्तियों के माध्यम से मेरा परिचय खींचा जाएगा, चित्र खींचा जाएगा, यहाँ इन 47 शक्तियों के माध्यम से मेरा बायोडाटा पेश किया जाएगा। यदि आपको जानने का मन हो तो कल ठीक 9:30 बजे वापस शुरू करेंगे।